अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने लव बर्ड के चिक्स को जो है हैंड फीड करवा रहे हैं। तो हमारे जो सामने चिक्स हैं, ये थोड़े छोटे चिक्स हैं और जो थोड़े बड़े चिक्स हो गए थे वो हमने उठा के इस पिंजरे में रख दिए हैं। तो अभी हम सबसे पहले फीड बनाने का तरीका देख लेते हैं कि हम फीड कैसे बनाते हैं। ये जो है वो गर्म पानी है, ये सिरिंज है हमारी, चमचा है, चाहिए क्या चीज़ है, ये मिनरल वाटर है हमारा। मिनरल वाटर में फीड बना के हम तोतों को कराते हैं। ये ग्रैप वाटर है, थोड़ा सा इसको भी ऐड करेंगे ताकि इनको डाइजेशन का कोई मसला ना हो। 2 ml हमने इसमें ये ले लिया, बाकी ये चुआर का है। इसमें कोई तकरीबन 6 ml जो है हम चुआर का ले लेंगे। ये आ गई हमारी फीड। फीड जो है मैं सिटाकस वालों की यूज़ करा रहा हूँ, सिटाकस मिनी जो फीड है। अच्छा, फीड बनाते टाइम एक चीज़ का हमारे को बहुत ख्याल रखना है कि फीड ज़्यादा गाढ़ी ना हो, ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ज़्यादा पतली हो। इसमें फीड डालने के बाद थोड़ी सी देर इसको छोड़ दें ताकि जो है ये फीड इसके अंदर सही से अब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक ये फीड हमारी अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, हमारी जो है फीड अच्छी तरह डिसॉल्व हो गई है, पानी में मिक्स हो गई है। अब हम इनको कराएंगे फीड इंजेक्शन में भर के। ये पतीले में पानी हमने इस वजह से लिया हुआ ताकि फीड कराते वक्त जो है वो ठंडी ना हो जाए, क्योंकि इनको हल्की सी नीम गर्म फीड करानी पड़ती है। फीड कराने से पहले आप इसका टेम्परेचर चेक कर लें, ज़्यादा गर्म ना हो। अब वन बाय वन हम अंदर से चिक्स निकालेंगे। फीड ज़्यादा ओवरलोड नहीं करानी है, इतनी करानी है कि फीड इसके गले के नीचे तक रहे और पोटा इसका नरम रहे, ज़्यादा हार्ड ना हो।
ये देखें इधर फीड ऐसे रखेंगे आप तो ये पाइप अपना खुद ही अंदर ले लेगा, बट उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हैं। ये हो गई फीड, अच्छा तो व्यूअर्स ये जो नीचे हमारे थे ये छोटे वाले चिक्स, इनकी तो हो गई है फिट। अब जो पिंजरे में थे जो बड़े थे उनको करा रहे हैं हम। फीड को आपको बार बार हिलाते रहना है ताकि एक जैसी रहे। ये अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुंह नहीं खोलते हैं, ये देखें ये जो है फीड अंदर नहीं लेता, तो इसके लिए हमारे को थोड़ी सी इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फीड लेना पसंद नहीं करते इतनी। होगा सारे एक रिजिए
फीड में आपको ये ज़रूर नोटिस करना है इसके अंदर कोई एयर ना रह जाए, वरना फिर वो इनके पोटे में क्रॉप में उतरेगी तो फिर डाइजेशन में मसला होगा। तो बस व्यूअर्स ये था तरीका कि हम चिक्स को जो है फीड कैसे करवाते हैं। ये हमारा ब्रूडर, इसमें ये टेम्परेचर वगैरह सब नोटिस हो रहा होता है 32.1। ये अंदर लाइटिंग है, ये अंदर हमने वुड शेप डाली हुई है। बाकी ये छोटे छोटे से चिक्स थे, वीडियो हमने पहले बनानी थी लेकिन वीडियो काफ़ी लेट बना रहे हैं हम, ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पहले ये इन डब्बों के अंदर रखे हुए होते थे, अब ये माशाल्लाह से इतने बड़े हुए हैं कि छलांग मार के बाहर आ जाते हैं, तो हमने वैसे डब्बे हटा दिए, उल्टे करके रख दिए। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।